तो जय हिंद दोस्तों, मैं आ गया हूँ रिवर फ्रंट के पास एयर शो के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो चीज़ समझा देता हूँ, डिफेंस एक्सपो हो रहा है और एक एयर शो हो रहा है। तो एयर शो हो रहा है रिवर फ्रंट के पास अहमदाबाद में, और जो डिफेंस एक्सपो हो रहा है वो हो रहा है गांधीनगर, और उसके लिए करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। और यहाँ अंदर प्रवेश करने के लिए आपको चाहिए आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड जो मैं साथ में लेके आया था। वो लोग जो पीछे खड़े हैं वो लोग आधार कार्ड नहीं लाया था तो उनको एंट्री नहीं है। तो आधार कार्ड ओरिजिनल ले आइए और एंट्री पाइए। तो एंट्री में आपकी पूरी पूरी जांच की जाएगी, आपकी बैग की भी तलाशी ली जाएगी, आपकी भी तलाशी ले जाएगी। तो अगर आपके पास डिजिटल कैमरा होगा तो एंट्री है, और आपके पास आधार कार्ड ना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा, मतलब कि कुछ भी आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। मैंने अभी तक जितने भी व्लॉगर के व्लॉग देखे हैं ये तो कुछ बताया ही नहीं है यार, रेडिक्यूलस। तो एयर शो में अंदर एंटर होते ही आर्मी के डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स एंड डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स यहाँ आजू बाजू है, और चलो सब देखते हैं बारी बारी से। अभी मैं बना हूँ विंग कमांडर अभिनंदन, आपको पता ही होगा, अरे पाकिस्तान में जाके चाय पी आए थे वो। आप जो विमान और हेलीकॉप्टर देख रहे हैं उनमें से आज आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है ये वाला हेलीकॉप्टर, आज दिखेगा। तो दोस्तों पहले मैंने विजिट किया ये टेंट, वो है इंडियन कोस्ट गार्ड का, वहाँ मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली इंडियन कोस्ट गार्ड के सील की, और कुछ ज़्यादा मुझे डिटेल चाहिए तो मुझे ये मैनुअल भी दे दिए, और दिया है ये प्यारा सा बैच, और दिया है एक मार्कर पेन। वाह बहुत ब्यूटीफुल अरेंजमेंट है, एक वन बाय वन सब टेंट विजिट करने में बहुत मज़ा आ रही है। तो यहाँ हम टेंट के पास आए हैं, वो है इंडियन एयरफोर्स का। तो आप कुछ जानकारी दीजिए, क्या रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है कुछ? इन्फॉर्मिंग अबाउट द अग्निपथ स्कीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, हाउ टू जॉइन एज अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स। फॉर दिस साइट दिस आवर वेबसाइट इज www.agnipathvayu.cdac.in एंड आवर क्यू आर कोड इज अवेलेबल देयर, कैंडिडेट कैन गो टू दिस क्यू आर कोड टू डायरेक्टली वेबसाइट एंड नो अबाउट इन्फॉर्मेशन हाउ टू जॉइन एज इंडियन एयरफोर्स एज अग्निवीर वायु। और क्वालिफिकेशन इज 12th पास, 50% मार्क्स एंड इंग्लिश इज 50% मार्क्स कंपलसरी, एज क्राइटेरिया इज 17 एंड आफ्टर 21 ईयर एंड मोर इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन दिस वेबसाइट। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन इज 10+2 विद 50% मार्क्स। ओके बाप रे बाप, बहुत बड़ा पोस्टर दिए दिए आपके लिए। एवरी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल दिस एज एग्नीवीर वायु। ओके यू कैन एड इन योर यूट्यूब ब्लॉग आल्सो, दिस इज द वेबसाइट ऑनलाइन आल्सो। ओके थैंक यू सर, यू कैन टेक पिक ऑफ दिस पोस्टर इन योर यूट्यूब। श्योर श्योर। तो सर ने हमें दिया है इंडियन एयरफोर्स का एक प्यारा सा बड़ा सा पोस्टर, तो हम भी एक छोटा सा स्टिकर दे रहे हैं हमारी चैनल का। हमारे चैनल का नाम है उड़ता फिरता, हम भी उड़ते फिरते हैं, ये भी उड़ते फिरते हैं। वाह अमेजिंग। तो ये है मेरा स्टिक, सुपर्ब, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। ये मेरी तरफ से आपको
ये मेरे चैनल का नेम उड़ता फिरता, ये आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। थैंक यू। हमारा साइट का एक बढ़िया सा बना के इसका उसका बढ़िया सा बना के डालना। पक्का पक्का। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मुझे एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट मिला है, बट मेरे लिए बहुत बड़ा है, ये एयरफोर्स का विमान। तो एक किस्सा मैं शेयर करना चाहूँगा, मैंने टॉम क्रूज की टॉप गन मूवी देखी थी, तब मुझे इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का मन हो गया था। तो अभी हम एयर पायलट बनने वाले हैं। सब कुछ सिखा दीजिएगा। अच्छा, जैसे आपके मिसाइल चलेगी, मिसाइल चलेगी। अच्छा, इससे अंदर का। ओके, और किसको मारना, किसको है? हाँ, अभी रेड रेड आ जाएंगे आपके एनिमी। अच्छा, और ये जो ब्लू देखने लग रहा है ना। ओके, ये रेड वाला एनिमी है। ओके, तो चलो विंग कमांडर अभिनंदन बन जाते हैं। ये आगे बढ़ाने के लिए कुछ है? हाँ, आगे बढ़ाने के लिए ना। हाँ, ऐसे ये स्पीड कंट्रोलर है। जो एयरफोर्स का प्लेन था, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं उड़ा रहा था, और मैं हार गया दुश्मनों से। बहुत दिल पे चोट लगी है, बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस। अब ये अंत तक अफसोस रहेगा। अपने यूट्यूबर ही ठीक है, और मुझे टॉप गन का टॉम क्रूज बनना था। एक गेम में एरोप्लेन तो ठीक से उड़ा नहीं पाया। हट। इंडिया गेट के पास का थीम बनाया गया है, अमर जवान। इंडिया गेट के पास, ये इंडिया गेट के पास है। आप कहाँ? पंजाब से हो? पंजाब से। और आप? मैं जम्मू से। जम्मू से। ओके, तो आपने आगे देखा, इंडियन एयरफोर्स हमारे साथ जुड़ी हुई है, और अब जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आप कहाँ वैसे, कहाँ आपकी ड्यूटी होती है? पुणे में। पुणे में? ओके, तो ये हमारी चैनल है उड़ता फिरता, ये सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो आ जाएगा। चलो जय हिंद। तो यहाँ सब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, सबका रिस्पांस बहुत मुझे अच्छा लगा। जैसे कि अपने रिश्तेदार ही हो, अपने फ्रेंड सर्कल में ही कोई हो, ऐसा लगता है, सामने से वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ रही है, मज़ा आ रही है। और जो एयर शो है वो 4:30 बजे, तो धूप बहुत है, तो एयर शो है जो 4:30 बजे शुरू होने वाला है। तो मैं आपसे विनती करूँगा कि एयर शो चालू होने से 1.5-2 घंटे पहले आप आ जाइएगा, तो यहाँ का आप लुत्फ़ ले सकते हो, मज़ा ले सकते हो। जो मैंने गेम के लिए, जो ये लोगों से मिला, जो मुझे इंडियन आर्मी के वेपन के बारे में, इंडियन आर्मी की सीप के बारे में, एरोप्लेन के बारे में, लॉन्चर्स के बारे में जो सब कुछ जानकारी मिली ना, तो आप थोड़ा जल्दी आइएगा। कौन कह सकता है कि ये पोस्टर है? यार क्या पोस्टर डिज़ाइन किया है, अमेजिंग, सुपर, फैंटास्टिक, लुक्स लाइक रियलिस्टिक।
नहीं, ये मिसाइल लॉन्चर जो है ना उसको देख के बॉर्डर के सनी देओल की याद क्यों आ रही है? चलो दूसरे मिसाइल और लॉन्चर बताता हूँ आपको। तो यहाँ जो भी आधुनिक हथियार है, वेपन है, तो उसकी डीपली इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि हम भारतीय है और हमने आधार कार्ड बताया, लाइसेंस बताया, पर मैं यूट्यूब पे ये नहीं रखूँगा, एकदम डिटेल वाली इंफॉर्मेशन नहीं रखूँगा। आप समझ गए होंगे क्यों नहीं मैं रख सकता, क्योंकि कोई भी देख सकता है भाई, कोई भी देख सकता है। दोस्त अपने इतना पॉपुलर यूट्यूबर नहीं है, पर ठीक है, आपको सेल्फी लेना है तो ले लो। ये सेल्फी मोमेंट लाइफ में पहली बार हो रहा है मेरा आपके साथ। आपका नाम क्या है? और अहमदाबाद से ही हो? अहमदाबाद। ओके, तो आरव जी हमारा थोड़ा वीडियो लेना ना, हम अकेले आए हैं। ओके, आप फैमिली के साथ आए हो? पापा के साथ आए हो? ओके ओके। मैं उरी का विक्की कौशल बना हुआ। तो थैंक यू आरव, अब वहाँ ओके मिलते हैं, बाय। तो अब मैं थोड़ी बात करता हूँ गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो के बारे में। तो आज 19 तारीख बुधवार को विमान जा रहे, तो आज 19 तारीख बुधवार को हमारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ आए हैं। और वो डिफेंस एक्सपो की खास बात यह है कि अलग अलग कंट्रीज़ के डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स यहाँ गांधीनगर में आपको देखने को मिलेंगे। आप रजिस्टर भी कर सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और आप विजिट कर सकते हो 21 और 22 तारीख को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। तो डिफेंस एक्सपो का आप मज़ा गांधीनगर में ले सकोगे, और काफ़ी सारे जो वेपन्स हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज है हमारे डिफेंस फोर्स की, वो वहाँ आपको देखने को मिलेगी। देखो यहाँ खूबसूरत सा छोटा सा एक बंकर सेल्फ पॉइंट भी बनाया गया है, एकदम बंकर है, नीचे लोग है। वाह, तो यहाँ कॉमन पब्लिक को भी जाने को मौका मिलता है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। वाह, लाइफ में एक था कि बंकर में जाऊँ, आज बंकर में जाने को मौका मिल रहा है, बहुत संभल संभल के जाना पड़ता है। क्लियर 40 में क्लियर में से प्रिंट कर देता है।
जबरदस्त है, जबरदस्त है, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो यहाँ मैं काफ़ी सारे आर्मी ऑफिसरों को मिला, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को मिला। काफ़ी डाउन टू अर्थ है यार लोग, भले हाथ में गन होती है, AK-47 भले होती है, पर दिल तो दिल होता है उनका। वाह, मज़ा आ गया, एकदम फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली है, कैजुअली बातें करते हैं। तो अभी चालू होने वाला है एयर शो। ओके, हम बाहर जाएंगे। ये था डिफेंस एक्सपो 2022 फ्रॉम अहमदाबाद। अब थोड़ी बहुत और जानकारी दूं एयर शो के बारे में, तो चंडीगढ़ में भी एयर शो हुआ था। यहाँ और वहाँ के एयर शो में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ हेलीकॉप्टर्स, आपको डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ देखने को मिलेगी हेलीकॉप्टर्स की। बट जो चंडीगढ़ में एयर शो गया, मे बी अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 12 दिन पहले ही चंडीगढ़ में एयर शो हुआ था, तो वहाँ एयरप्लेन भी थे और हेलीकॉप्टर भी थे। यहाँ सिर्फ आपको देखने मिलने वाला है हेलीकॉप्टर। चलो चलते हैं, देखते हैं और मजा लेते हैं। तो वहाँ छोटा सा हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा और हमारे सेना के नौजवान निकल गए हैं पैराशूट की मदद से, नीचे आ रहे हैं लैंडिंग कर। हमारे तिरंगे के ऑरेंज कलर वाला स्मोक निकलते हुए हमारे नौजवान आसपास है और उतर रहे हैं। We'll be right back.
पावर हैंग ग्लाइडर विथ 4 स्ट्रोक 55 एचपी इंजन एंड मिनिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। यह है इंडियन कोस्ट गार्ड मेड इन इंडिया लाइटवेट हेलीकॉप्टर ध्रुव, यूज्ड फॉर सर्चिंग एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सीकिंग 42 माय फेवरेट चार्ली वर्जन। अब इसके फीचर्स की बात करूं तो आगे जो ब्लैक नोज जैसा देखने को मिलता है विच इज वेदर रडार एंड इट इज यूज्ड टू डिटेक्टिंग सर्टेन कॉन्टैक्ट्स व्हाइल एट अ सी लेवल। जो आप देखने वाले हो उसके लिए सबकी सांस रुकी हुई है, सब लोग यहाँ थमे हुए हैं। का एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, और ढेर सारे एक्सपीरियंस आप मेरे साथ देना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स, और इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, आईडी ये है। तो बस यूं उतरेंगे, फिरते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर, आओ जो सब्सक्राइब करी ना जो बाय।